टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा अलजेब्रा के सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बेसिकली ख़त्म होने वाला है। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैक्टर्स कौन से होते हैं, डेफिनेशन देखी थी, और फिर हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे कि कैसे हम किन्हीं वैक्टर्स के सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कहेंगे। और उससे पहले वाली भी वीडियोस जिसमें हमने रैंक निकालनी सीखी थी और कैसे हम अलग अलग वे से रैंक निकाल सकते हैं, वो सब कुछ हमने किया है। तो जो लोग पहली बार वीडियो पे आ रहे हैं, चैनल पे आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और ऊपर आइकन बटन पर क्लिक करो तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलजेब्रा की। वहाँ से आप स्टार्टिंग से देख सकते हो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो प्रीवियस पार्ट है। ओके तो देखो आज हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि हमने लास्ट वीडियो में लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की डेफिनेशन देखी थी और एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम कुछ थ्योरम्स करेंगे कि कुछ कुछ चीज़ें कैसे इम्प्लाई करती है कि आपका सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। तो कुछ थ्योरम्स हैं जो कि रिलेटेड है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैक्टर से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली थ्योरम है, थ्योरम नंबर इज दिस वन, मतलब ये जीवनसन पब्लिकेशन की बुक में ये थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर है 2.28.1 समथिंग। तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है, इफ टू वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, इफ टू वैक्टर्स आर डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। Is scalar multiple of other. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप दो वेक्टर लेके चलोगे, मान लो आपने दो वेक्टर लिए v1 और v2 और ये दोनों कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि या तो v1 को आप ऐसे लिख सकते हो कि कोई तो स्केलर होगा k into v2, या फिर ऐसे लिख सकते हो v2 is equal to some दूसरा k, हो सकता है k dash into v1, ठीक है, कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, ये बोला है, तो वो हमारे क्या होंगे, डिपेंडेंट। तो ये बोला कि डिपेंडेंट है, तो ये प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो प्रूफ, अब आपको डिपेंडेंट दे रखे हैं ना ये दो वेक्टर्स, तो आप क्या करोगे, a1 v1 plus a2 v2 जीरो लेके चलोगे, तो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि सारे स्केलर जीरो नहीं हो सकते, कम से कम एक नॉन जीरो होगा, तो या तो a1 नॉन जीरो होगा या a2, तो दो केस बनेंगे, है ना। तो हियर आइदर a1 नॉट इक्वल टू जीरो और a2 नॉट इक्वल, ठीक है। तो मतलब कम से कम एक तो नॉन जीरो हो गई, लीनियरली डिपेंडेंट में होता है कि सारे जीरो नहीं हो सकते, है ना। तो दो केस बने हमारे, हो सकता है ये नॉन जीरो हो सकता है ये नॉन जीरो, और अगर दोनों ही नॉन जीरो हो गए तो दोनों ही केस बन गए, है ना। अब देखो अगर ये a1 नॉन जीरो है, तो इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, हमारे पास है a1 v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2 v2, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। अब अगर कोई भी नंबर नॉन जीरो है तो उससे आप डिवाइड कर सकते हो, सो नाउ आप v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2 by a1। अब ये जो माइनस a2 by a1 आया है, इसको आप कुछ k मान लो विच इज अ स्केलर, और यहाँ से आपका क्या आया कि v1 इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ v2। सिमिलरली अगर ये केस नहीं है तो ये केस होगा, है ना। तो अब की बार हम क्या करेंगे, a2 से डिवाइड करेंगे, तो अब हमारी इक्वेशन है तो यही, तो अब आप क्या करो, इसको माइनस ऑफ a2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि a2 आपका नॉन जीरो है। तो इस केस में माइनस ऑफ a1 by a2 v1 v2, अब इसको आप कुछ स्केलर मान सकते हो, सपोज k डैश v1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो या तो ये केस होगा या ये केस होगा, या फिर दोनों में से, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो हमें यही बताना था कि कम से कम एक तो दूसरे का मल्टीपल होगा, और वो चीज हमारी आ गई, है ना।
यहाँ पर v1 मल्टीपल है v2 का, यहाँ पर v2 मल्टीपल है v1 का. ओके नेक्स्ट थ्योरम करते हैं. चलो सो नेक्स्ट थ्योरम के दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है, ए सेट कंटेनिंग ओनली ए जीरो वेक्टर. कि अगर आपके पास क्या है, लिख देती हूं मैं, ए सेट कंटेनिंग ओनली ए जीरो वेक्टर. इज प्रूव करना है लीनियरली डिपेंडेंट. और सेकंड में अब सेम चीज है, ए सेट कंटेनिंग ओनली अ नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो दो पार्ट है. देखो फर्स्ट में देखो क्या कहा है उसने कि एक सेट है आपके पास जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेक्टर है और वो कौन सा है, जीरो. तो कोई भी सेट लो, ये ए सेट लिया, इसके अंदर सिर्फ एक ही वेक्टर है वी जो कि जीरो है और कुछ नहीं है, तो सिंगलटन सेट है ना, ये दिया. अब लीनियरली डिपेंडेंट बताना उसको. तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या होता है कि आप a इंटू वी इज इक्वल टू जीरो लेके चलो और फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो a है ना वो आपका नॉन जीरो हो सकता है, जीरो ही पॉसिबल नहीं है, है ना. तो अब ध्यान से देखो क्योंकि स्केलर मल्टी देखो वैसे तो हम क्या करते हैं, अगर एक से ज्यादा होता वी वन वी टू तो हम ऐसे करते है ना, बट अभी इस केस में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही वेक्टर है तो ये इस तरह से ही लिखा जाएगा, सिर्फ एक है. तो अभी मुझे ये दिखाना है कि ए की वैल्यू नॉन जीरो होकर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. कैसे हो जाएगी, क्योंकि देखो वी की वैल्यू जीरो है, ए की वैल्यू कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लो और उसके आप मल्टीप्लाई करो जीरो से, क्योंकि वी की वैल्यू क्या है, जीरो. तो जीरो आएगा ना, आपने टू इंटू जीरो किया तो भी जीरो आएगा, थ्री इंटू जीरो किया तो भी जीरो आएगा, सॉरी जीरो. ओके तो यहाँ पर हमारा जो स्केलर है वो जीरो नहीं आया, और जब भी हमारा स्केलर जीरो नहीं आता तो वो हमेशा क्या बन जाता है, डिपेंडेंट सेट. तो जिस भी सेट के पास सिर्फ एक सिंगलटन जीरो एलिमेंट हो उसको हम हमेशा ही क्या कहेंगे, वो डिपेंडेंट सेट है, इंडिपेंडेंट नहीं है. ओके अब दूसरा केस देखो, सेकेंड में इसका उल्टा बोला है उसने, बोला कि इफ आपके पास एक सेट है जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट है, सिर्फ नॉन जीरो और एक ही एलिमेंट है. अब वापिस आप कंसिडर करो, आपने लिया ए इंटू वी इज इक्वल टू जीरो और आपको पता है कि आपका वी जीरो नहीं है, है ना. तो ए और इंटू में सम नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर, और इंटू इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए. अब मुझे एक बात बताओ, दो नंबर की मल्टीप्लाई करने से अगर जीरो आ रहा है तो कम से कम एक तो जीरो होना चाहिए ना. अगर ये जीरो नहीं है तो इसको जीरो होना पड़ेगा. सो दिस इम्प्लाई हमारा ए क्या है, जीरो. और जब हमारे सारे स्केलर जीरो आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सेट. यहाँ पर एक ही स्केलर है और वो जीरो आ गया, इसका मतलब ये जो मेरा सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ओके तो समरी ये है कि अगर आपके पास सिंगलटन सेट हो उसके अंदर अगर जीरो है तो डिपेंडेंट सेट, अगर नॉन जीरो है तो इंडिपेंडेंट सेट. ओके इस तरह से. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है, इस सेट कंटेन द नल वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, कंटेनिंग ए नल वेक्टर. लीनियरली, अब इसमें और पिछले वाले में क्या डिफरेंस है, पिछले वाले में तो कहा था कि सेट ऐसा लो जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट और वो जीरो है, यहाँ पर ऐसा बोला उसने कि आपने कोई एक सेट लिया सपोज ए
जिसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, v1 v2 v3 से लेकर मान लो vn तक। अब इनमें से ना कोई एक जीरो है, उसने कहा कि एक सेट हो लो जिसके अंदर एक नल वेक्टर हो, जिसके अंदर एक क्या हो, जीरो वेक्टर हो। तो यहाँ पर मान के चलो कि लेट आपका v3 जीरो है, तो कोई एक वेक्टर आपका जीरो है, उसके अलावा भी जीरो हो सकते हैं बट कम से कम एक तो है ही, ठीक है। हमें बताना है कि अब ये सेट है ना, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अब देखो, कंसिडर आपको क्या करके चलना, पहले इसका स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेके चलो, लीनियर कॉम्बिनेशन a1 v1, a2 v2, a3 v3, an bn। अगर आप एक पूरा a1 a2 a3 an वाला पूरा वेक्टर ऐसा लाके दिखा दो जिसमें कि कम से कम एक नॉन जीरो है, तो आपका काम हो गया, क्योंकि आपको डिपेंडेंट दिखाना है ना। डिपेंडेंट में क्या होता है कि कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो आना चाहिए। अब इसको ध्यान से देखो, हमें इतना पता है कि ये जीरो है ना, हम v3 को एक बार जीरो मान के चल रहे हैं, तो हमें इतना पता है कि ये जीरो है। अब अगर आप ये लेके चलो, a1 आपने जीरो लिया, a2 जीरो लिया, a4 जीरो लिया, और सिमिलरली an तक सारे जीरो लिए, और a3 आपने नॉन जीरो ले लिया, कुछ भी लो, मान लो आपने लिया है a3 की वैल्यू 2 या 1, तो मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना? क्योंकि देखो, 0 × v1, 0 × v2 प्लस 2 × 0, क्योंकि v3 की वैल्यू 0 है, कोई एक वेक्टर तो 0 है ना, प्लस आगे कुछ आएगा 0 × v4 प्लस 0 × vn, ये भी 0, 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 सबको ऐड करोगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब आपको एक सेट ऐसा मिल गया जिससे कि सारे स्केलर भी जीरो नहीं है और फिर भी आपका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया, डिपेंडेंट सेट। क्लियर? क्योंकि हमें ये पता लग गया ना, देखो अगर मैंने ये वाला सेट लिया तो यहाँ पर सारे स्केलर जीरो नहीं है लेकिन फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये सेट मेरा कैसा है, डिपेंडेंट। तो हमें इतना पता लगा कि अगर आपको कोई पता लगे कि vi = 0 है, कोई भी वेक्टर अगर 0 है तो उसका जो स्केलर है ना कोफिशेंट, उसको नॉन जीरो ले लो, बाकी सारे 0 ले लो, तो काम चल जाएगा। क्योंकि आपको एक सेट निकाल के दिखाना है, हम तो बहुत सारे निकाल के दिखा सकते हैं, यहाँ पर 1 रखो तो भी काम चल रहा है, 2 रखोगे तो भी, 3 रखोगे तो भी, चाहे 1000 रख लो तो भी, क्योंकि हमें पता है कि उसके साथ वाला वेक्टर 0 है, इसलिए ये हमें क्या दे रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दे रहा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि एवरी सुपरसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट LD इज LD, ठीक है। तो अगर आप कोई डिपेंडेंट सेट लेके चल रहे हो, मान लो आपने ये लिया, ये सेट लिया और आप इसको लीनियरली डिपेंडेंट है ये पता है आपको, तो व्हाट यू हैव टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि अगर हम इसका कोई भी सुपर सेट ले, सुपर सेट का मतलब क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करो, मान लो मैंने कोई दूसरा सेट लिया जिसके अंदर ये सारे तो है ही, ठीक है, और मान लो कुछ एक्स्ट्रा और ऐड कर दिए, vn+1, vn+2 से लेकर मान लो vm तक। अब मुझे ये बताना है कि अगर ये डिपेंडेंट है ना तो ये भी डिपेंडेंट होगा, वी हैव टू प्रूव दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट। ओके, देखो कैसे प्रूव करोगे, हमें इतना पता है कि ये सेट हमारा डिपेंडेंट है
तो दैट मीन्स इससे क्या निकलता है हमारा कि इफ इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है देन एटलीस्ट वन ए आई इज नॉन जीरो, है ना? इतना पता हमें कि अगर आप स्केलर सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेके चल रहे हो तो कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो आएगा, है ना? कुछ भी हो सकता है वो। इसको आप इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन को आप ऐसे लिख सकते हो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन राइट लाइक दिस ना, ए वन वी वन ए टू वी टू ए एन वी एन, इतना लिखा, प्लस जीरो वी एन प्लस वन जीरो वी एन प्लस टू प्लस जीरो वी एम, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मैंने सिर्फ ये जीरो ऐड किया है। अब ध्यान से देखो, हमें इतना पता है इस इक्वेशन से कि सारे के सारे ए आई जीरो नहीं है, कम से कम एक नॉन जीरो है। और जब मैंने इसको ऐसे लिखा अभी भी एक तो सेटिस्फाई हो गई क्योंकि मैंने तो सिर्फ जीरो ही ऐड किया इधर, सो दैट मीन्स अभी भी मेरे पास एक स्केलर नॉन जीरो है अभी भी। जबकि इसको आप ये लिख सकते हो ना, इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ए वन वी वन ए टू वी टू ए एन वी एन ए एन प्लस वन वी एन प्लस वन ए एम वी एम, इसका मतलब यही तो है, बस मैंने इन स्केलर्स की वैल्यू जीरो ली है, है ना? तो अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेकर चल रही हूं तो कम से कम एक स्केलर तो मेरा नॉन जीरो आ ही रहा है। सपोज मान लो इस वाली इक्वेशन को अगर हम लेके चल रहे हैं और मान लो कि ए वन आपका नॉन जीरो आया, है ना? जैसे आपका ए वन नॉन जीरो आया तो इसका मतलब आपका जो वेक्टर है वो ये बनेगा वन जीरो जीरो जीरो। इसका मतलब क्या है कि ए वन नॉन जीरो है, मान लो कि बाकी सारे जीरो है, सपोज ऐसे ऐसे लेके चलो। अब जैसे आपने ये लिखा इसमें क्या होगा, इसमें भी यही बनेगा ना, वन जीरो जीरो ये जीरो, यहां तक एन वाली वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद मैंने वैसे ही जीरो लिया जीरो जीरो जीरो, है ना? तो ये पूरा वेक्टर आपका जीरो नहीं आया ना, एक नॉन जीरो वैल्यू तो है इधर। तो इसका मतलब जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करोगे अगर आप उनके कोफिशिएंट जीरो लेके चल रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें पता है कि पहले वालों में कोई ना कोई तो एक है जो कि जीरो नहीं है, और हमारा काम ही यही होता है कि कम से कम एक नॉन जीरो बताना है, वो हमारा पहले वालों में इंक्लूड था इसलिए हमारा काम चल गया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जब मैं सुपर सेट भी लूंगी तो भी वो डिपेंडेंट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके? और अब लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में उल्टा हो जाएगा। देखो आई थिंक नेक्स्ट थ्योरम वही है, हाँ, अब सुपर सेट की जगह सबसेट हो जाएगा और एल डी की जगह एल आई आ जाएगा। तो देखो इसको तो हम यहाँ सबसेट आएगा और यहाँ एल आई आएगा, सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल आई, ओके? अब हमें मान लो कि ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, प्रूफ हमको ये प्रूफ करने की, इसका अगर आप कोई सबसेट लोगे ना, मान लो आपने लिया बी, कुछ भी ले लो, मान लो वी वन वी टू से लेकर वी एल, एल का मतलब एल इज लेस देन एन और इक्वल टू भी हो सकता है, कुछ ऐसा होगा सेट आपका वी एल वी एल प्लस वन और वी एन, ओके? तो मान लो कि मैंने बस इतने ही एलिमेंट लिए हैं तो ये सबसेट हो गया ना, ठीक है? अब मुझे ये बताना है कि ये भी एल आई होगा, दिस इज ऑल्सो एल आई, हमको ये प्रूफ करना है, ओके? अब देखो क्योंकि ये हमें गिवन है तो
तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ए सेट इफ ए इज एल आई, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेकर चलोगे ए एल वी एल, ए एल प्लस वन वी एल प्लस वन प्लस ए एन वी एन, अगर आप ये लेकर चल रहे हो देन ऑल ए आईज आर जीरो ना, या फिर ऐसे लिखो अच्छे से ऑल ए आईज आर जीरो। इसका मतलब यही होता है कि जब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो जब भी आप उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चलोगे तो वो जीरो ही आए, जीरो लेके चलोगे तो सारे कोफिशियंट आपके जीरो ही आएंगे, है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब ये। ओके, जब हमें इतना पता है कि ठीक है सारे स्केलर जीरो ही हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, हम इनको हटा देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसमें जब हमें पता है कि ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, वो भी जीरो है, फिर ये भी जीरो है, तीन जीरो को हटा दो, क्योंकि प्लस जीरो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड जीरो करने से भी कोई फर्क, प्लस और ऐड एक ही बात है, प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वन वी वन ए टू वी टू ए एल वी एल जीरो, एंड देन स्टिल हमारे पास सारे ए वन ए टू और ए एल सारे जीरो है ना फिर भी। क्योंकि अगर आप मानो आप ये कह रहे हो कि ठीक है मेरे पास ना इतने सारे वेक्टर्स हैं जो कि सारे जीरो है, अब अगर मैं कहूँ कि चलो लास्ट के तीन हटा दो तो कौन सा वो नॉन जीरो हो गए, नहीं ना, फिर भी वो ऊपर वाले सारे जीरो ही रहे ना। तो वही काम किया हमने, अगर हम लास्ट के हटा दें तो ऐसा मतलब पॉसिबल क्या ऐसा ही होगा कि अगले वाले भी जीरो ही हैं, है ना। बट ये चीज सुपर सेट में ट्रू क्यों नहीं है, ऐसा हो सकता है कि जब आप इसमें एक दो एलिमेंट ऐड करो तो उसका कोफिशियंट नॉन जीरो आ जाए। देखो तो ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमने जैसे ही लास्ट में से हटाया तो वैसे ही सारे स्केलर वापस से जीरो आ रहे हैं, सो दैट मीन्स सबसेट लेंगे तो वापस से जीरो ही आएगा। बट अब चीज एक देखो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एल आई में सुपरसेट क्यों नहीं दिया और लीनियरली डिपेंडेंट में सबसेट क्यों नहीं दिया, है ना। ये चीज देखो, अब आपको इतना पता है कि अगर ये एल आई है और अगर आप इसका कोई सुपर सेट लोगे, सुपर सेट में कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आएगा इतना पता है आपको, तो अगर मैं इसका सुपर सेट लूँ तो कुछ इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। मान लो मैं इधर लिखती हूँ इसका सुपर सेट, मान लो मैंने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये सुपर सेट हो गया। ओके, अब एक चीज ध्यान से देखो, पहली बात आपको इतना पता है कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ए सेट दिस वन, तो ये सारे कोफिशिएंट जीरो है। बट जैसे ही आप ये लिखोगे ये लिखा आपने, आपको इतना पता है कि यहां तक सारे जीरो है, बट हो सकता है ना ये नॉन जीरो हो, कब पॉसिबल है। मान लो मैंने इधर ना जीरो ऐड कर दिया, वी एन प्लस वन में जीरो ले लू, है ना, अगर मैंने इसको जीरो लिया, आपको खुद ही आइडिया मिल गया, है ना। तो जैसे ही, क्योंकि हमें पता है ए वन भी जीरो है, ए टू भी जीरो है, ए एन भी जीरो है, बट अगर मैंने वी एन प्लस वन को जीरो लिया और जीरो मैंने इस सेट के अंदर डाल दिया एक्स्ट्रा, तो सुपर सेट तो बन गया बट वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाया, क्योंकि ए एन प्लस वन की जगह मैं कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रखूंगी फिर भी मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब सारे स्केलर जीरो नहीं आए, कम से कम एक नॉन जीरो मिला है ना, इसलिए जरूरी नहीं है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सुपर सेट लो तो भी वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ओके, सिमिलरली इन द केस ऑफ एल डी, देखो एल डी में क्या था,
कि आप सबसेट ले रहे थे ना, तो मान लो सबसेट ले रहे हो एल डी का, ओके ये है आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट और ये हमने सबसेट लिया। अब ये डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये जीरो लेके चल रहे हो तो कम से कम एक एटलीस्ट वन ए आई इज नॉन जीरो, ओके इतना पता है हमें, ये पता है कि ये सेट अगर डिपेंडेंट है तो इसमें से कम एक नॉन जीरो होगा स्केलर। बट जैसे हम सबसेट ले रहे हैं, मान लो ये सबसेट लिया हमने, तो इसका मतलब आपने इनको हटाया है ना, इनको हटा दिया, तो ऐसा हो सकता है मैंने कहा कि कम से कम एक नॉन जीरो है, तो सपोज करो आपको ना स्केलर्स का ये सेट दिया मैंने, जीरो 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 जीरो, ये एल तक तो जीरो आया, फिर उसके बाद मान लो वन आया, फिर उसके बाद टू आया, फिर जीरो 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 ऐसे आया मान लो। अब एक बात बताओ, जब आपने इतने सेट को हटा दिया तो क्या ये अब सारे के सारे नॉन जीरो बचे? नहीं बचे ना, ये वापिस से सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप सबसेट ले रहे हो तो आप वो ही एलिमेंट हटा रहे हो जिनका स्केलर नॉन जीरो आ रहा था, तो जब हमने सबसेट लिया तो मे बी बस वो वेक्टर बच जाए जिनका कि कोफिशेंट जीरो आए और कुछ ना आ पाए, ओके तो फिर जरूरी नहीं है कि जब आप सबसेट लोगे तो सिर्फ डिपेंडेंट सेट ही बचेगा, इंडिपेंडेंट सेट भी बच सकता है। इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट में सबसेट काम नहीं करता और इंडिपेंडेंट में सुपरसेट काम नहीं करता, क्लियर? तो इस तरह से हमें पता लगा कि कैसे ये थ्योरम्स ट्रू है बट इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है ना, एक दूसरे में मिक्स मत कर देना इनको, ओके ठीक है। तो हमारी ये 5 तक थ्योरम्स हो गई हैं, आई थिंक आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे भी अभी कुछ थ्योरम्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपका कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकते हैं, ओके।